हाय फ्रेंड्स, आज अपन पढ़ेंगे महाराणा प्रताप पार्ट फर्स्ट और सेकंड अपन पढ़ चुके हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है, जब आप कोई लेसन देखते हो या सुनते हो पढ़ते हो, अगर आपको वीडियो में कोई कमी नजर आए तो प्लीज कमेंट करके बताना ताकि उसे संशोधित किया जा सके। आज अपन पढ़ेंगे महाराणा प्रताप पार्ट थर्ड। तो इसमें देखिए, सबसे पहला ही क्वेश्चन अपने सामने आता है हल्दीघाटी युद्ध। तो दोस्तों, हल्दीघाटी युद्ध आप सबको पता है 18 जून 1576 में हुआ, बट गोपीनाथ शर्मा के अनुसार यह युद्ध 21 जून को हुआ। गोपीनाथ शर्मा 21 जून कहां हुआ यह युद्ध, इसके बारे में पूछा जाता है, पूछा जाता है। तो यह युद्ध हुआ था हल्दीघाटी दरा, और जिस स्थान पे ये युद्ध हुआ उसे कहते हैं रक्त तलाई, यानी हल्दीघाटी दरे से बाहर निकलते ही जो स्थान है उसे कहते हैं रक्त तलाई। किस नदी के किनारे हुआ, तो नदी का नाम बहुत बार पूछा जाता है, ये युद्ध हल्दीघाटी युद्ध हुआ था बनास नदी के किनारे, बनास नदी। दोस्तों, किन दो गांवों के मध्य ये युद्ध हुआ था, तो बहुत बार पूछा जाता है ये युद्ध हुआ था खमनोर और बलीचा गांव के मध्य। खमनोर यहां है रक्तलाई, इधर गांव है बलीचा। तो बलीचा और खमनोर के मध्य स्थान है वो है रक्तलाई, और यहां पे ही हुआ था ये हल्दीघाटी का युद्ध। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मुगल सेना ने युद्ध योजना कहां बनाई थी। तो दोस्तों, आगरा से रवाना होने के बाद इन्होंने अप्रैल में जो युद्ध योजना बनाई थी वो बनाई थी अकबर के मैगजीन दुर्ग में, अकबर के मैगजीन दुर्ग अजमेर में। और दूसरी संपूर्ण युद्ध योजना बनाई थी वो बनाई थी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, राजपूती सेना ने जो युद्ध योजना बनाई थी हल्दीघाटी युद्ध की वो बनाई थी कुमलगढ़ दुर्ग में, जो राजसमंद जिले में स्थित है। दोस्तों, हल्दीघाटी युद्ध के अंतिम क्षण, यानी जहां ये युद्ध होना था वहां दोनों सेना की ओर से अंतिम पड़ाव डाला गया, भाई अब अपने को युद्ध प्रारंभ करना है। तो अंतिम पड़ाव मुगल सेना के द्वारा डाला गया था मोलेला गांव में, मोलेला गांव रास में। प्रताप की जो राजपूत सेना ने अंतिम पड़ाव डाला था वो डाला था लोसिंग गांव, ये भी राजसमंद है। बनास नदी के एक और मोलेला गांव है, दूसरी ओर लोसिंग गांव। इसके बाद में प्रताप और अकबर की सेना को लेकर अलग अलग विद्वानों में अलग अलग मतभेद है, जैसे सबसे पहले अपन पढ़ते हैं अब्दुल कादिर बदायूनी के अनुसार। बदायूनी ने कहा है कि प्रताप की सेना में 3000 सैनिक थे, जबकि अकबर की सेना में 5000 सैनिक थे। तो ध्यान देना है, अब्दुल कादिर बदायूनी के अनुसार प्रताप की सेना में 3000 सैनिक थे जबकि अकबर की सेना में 5000 सैनिक थे। क्यों? क्योंकि अब्दुल कादिर बदायूनी हल्दीघाटी युद्ध के समय प्रत्यक्ष गवाह है, एक पारसी इतिहासकार है, और इसने मुगल सेना की ओर से युद्ध में भाग लिया था। कर्नल टोड, कर्नल टोड के अनुसार प्रताप की सेना में 22000 सैनिक थे जबकि अकबर की सेना में 80000 सैनिक थे। इसी क्रम में मोहम्मद नेंसी, जो जोधपुर के शासक जसवंत सिंह के दरबारी कवि थे, मोहम्मद नेंसी के अनुसार प्रताप की सेना में 9 से 10 हजार सैनिक थे जबकि अकबर की सेना में 40000 सैनिक थे।
ख्यातु के अनुसार, ख्यातु के अनुसार प्रताप की सेना में 20,000 सैनिक थे, जबकि अकबर की सेना में 80,000 सैनिक थे। तो ये आपको क्रम से आपको याद रखना है। दोस्तों, हल्दीघाटी युद्ध में सेनाओं का नेतृत्व किस किसने किया, कौन कौन सी सेना का भाग किस किस के नेतृत्व में था, इसको लेकर बहुत ज्यादा क्वेश्चन भी पुट अप होते हैं, तो आपके सामने देखना है। दोस्तों, प्रताप की सेना का एकमात्र मुस्लिम सेनापति कौन था, वो था हकीम कासूर अफगान, यानी अफगानिस्तान का था, जो शेरशाह सूरी के वंशज का है। इधर हिंदू सेनापति कौन था, मानसिंह। दोस्तों, प्रताप की सेना में भील सेनापति कौन था, सबको पता है पुंजा भील। इधर अकबर की सेना में मुस्लिम सेनापति बनाया गया था आसफ खां को, आसफ खां। अब देखिए, हरावल, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसी के संदर्भ में पूछे जाते हैं कि हरावल सेना का नेतृत्व किया, तो प्रताप की हरावल सेना का नेतृत्व किया था हकीम खां सूर। मुगल सेना की हरावल सेना का नेतृत्व किया था जगन्नाथ कच्छा। प्रताप की सेना का चंदावल, जो पीछे का भाग होता है, इसका नेतृत्व किया था पुंजा भील ने। और मुगल सेना में चंदावल का जो नेतृत्व किया था, वो किया था आसफ खान ने, आसफ खान। इसके बाद में ढोलान, जो केंद्र में होता है, केंद्र में स्वयं या तो प्रधान सेनापति होगा या राजा होगा, तो ढोलान में इधर तो थे स्वयं महाराणा प्रताप। और मुगल सेना की ओर से ढोलान का जो नेतृत्व किया था, वो तक किया था मानसिंह ने। प्रताप की सेना का जो वारन पास है, इसका नेतृत्व किया था मानसिंह सोनग्राम, मानसिंह सोनग्राम। अकबर की सेना से वारन पार्सस का नेतृत्व किया था गाजी खां बख्शी, गाजी खां बख्शी। प्रताप की सेना का दक्षिण पार्सल का जो नेतृत्व किया था, वो किया था ग्वालियर के निष्कासित शासक राम सिंह तंवर, तंवर वह उनके पुत्र। जबकि इधर किया था अकबर की सेना की ओर से दक्षिण पार्सल का नेतृत्व है सैयद अहमद खां, सैयद अहमद खां। प्रताप की सेना का जो पृष्ठ दायित्व होता है कि सेना अगर थक जाती है तो उस समय घायल सैनिक या हताश सैनिक को दूर कर दिया जाता है और उसकी जगह दूसरी सैनिक को सेट कर दिया जाता है, व्यवस्थित कर दिया जाता है। तो पृष्ठ सेना का दायित्व निभाया था पंडित जगन्नाथ ने, पंडित जगन्नाथ। इधर पृष्ठ सेना का दायित्व था मेथर खां। आपने सुना होगा हल्दीघाटी युद्ध में प्रताप की सेना पे अगर मुगल सेना भारी पड़ी थी, तो इस मेहतर खां की एक छोटी सी बात के कारण भारी पड़ी थी। इधर है रिजर्व सेना, रिजर्व सेना होती है सेफ सेना, मतलब कोई भाग बहुत ज्यादा घायल अवस्था में हो जाता है या भाग जाते हैं, तो उस सेना में जो रिजर्व सेना होती है, सुरक्षित सेना होती है, उसका नेतृत्व किसने किया था। तो इधर कोई सेना सेफ नहीं रखी थी, क्योंकि महाराणा प्रताप ने अपनी संपूर्ण सेना एक साथ झोंक दी थी, जबकि मुगल सेना में रिजर्व सेना का नेतृत्व किया था माधो सिंह कछवाहा, माधो सिंह कछवाहा। तो दोस्तों, इस प्रकार आपको सेना के बारे में डिटेल अच्छे से याद रखनी है।
दोस्तों इस युद्ध में, हल्दीघाटी युद्ध में क्या परिणाम रहा, तो परिणाम आपके सामने है। अकबर अपने उद्देश्य में असफल रहा। उद्देश्य क्या था? अकबर महाराणा प्रताप को पकड़ना या बंदी बनाना, वो नहीं बना पाया तो अकबर अपने उद्देश्य में असफल रहा। इस आधार पर जीत किसकी हुई? जीत हुई महाराणा प्रताप की। दोस्तों कारण क्या है, ऐसा क्या है कि महाराणा प्रताप को अपने विजय घोषित कर सकते हैं? देखिए सबसे पहला ही कारण, मानसिंह तथा आसफ खां को मुगल दरबार से निकालना, मुगल दरबार से निष्कासित, से आउट करना। अगर महाराणा प्रताप को हरा देते तो मुगल दरबार से निकालने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। दूसरा कारण, युद्ध के बाद भी मेवाड़ में राजपूती सिखों का चलना, तो दोस्तों ये दो तीन कारण ऐसे हैं जैसे मानसिंह और आसफ खां को मुगल दरबार से आउट करना, युद्ध के बाद भी मेवाड़ में राजपूती सेना का चलना, और हल्दीघाटी युद्ध के तुरंत बाद युद्ध विहार का जारी रहना। युद्ध विहार का जारी रहना तो इन तीन आधार पर अपन कह सकते हैं कि इस युद्ध में महाराणा प्रताप की विजय हुई। दोस्तों इस युद्ध में करीबन 150 हाथियों ने भाग लिया, जिसमें 4 हाथियों ने अपने दमखम के आधार पर अपना परचम लहराया था। एक तो था मर्दाना, जो मानसिंह के हाथी का नाम है, मानसिंह का हाथी। गजमुक्ता, यह भी मानसिंह का हाथी था। दोस्तों लूणा और राम प्रसाद दो ऐसे हाथी थे जो मुगल सेना पे भारी पड़े, और ये दोनों ही हाथी थे प्रताप के। इसके अलावा आपने सुना होगा चेतक की भी बहुत बड़ी भूमिका थी इसमें। कहते हैं हल्दीघाटी युद्ध के समय महाराणा प्रताप को 28 पिट 28 फीट चौड़ा नाला ये बनास नदी का नाला है, नाला को पार करते समय घायल अवस्था में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और महाराणा प्रताप को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देता है। दोस्तों चेतक की जो समाधि बनी हुई है वो बनीचा गांव में बनी हुई है, बनीचा गांव। दोस्तों हल्दीघाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप को जब वो बंदी नहीं बना पाए अकबर, तो उन्होंने द्वितीय जो आक्रमण अभियान भेजा था वो भेजा था शाहबाज खां के नेतृत्व में। तो सबसे पहले शाहबाज खां कौन है? शाहबाज खां है अकबर के सेनापति, अकबर के सेनापति। तो द्वितीय आक्रमण अभियान भेजा गया था दोस्तों, प्रथम टाइम भेजा गया था 1577, दूसरी टाइम भेजा गया था 1578, तीसरी टाइम भेजा गया था 1589। दोस्तों यह ध्यान रखना है शाहबाज खां के नेतृत्व में तीन बार युद्ध अभियान भेजा गया, जिसमें एकमात्र युद्ध अभियान था 1578 मेवाड़ पे। तीन आक्रमण किए हैं इसने, तीन बार
1578 में इन्होंने कुमरगढ़ पर अधिकार किया। 1578 दोस्तों, ये एकमात्र ऐसा चांस या अवसर है जो मुगल सेना के अधीन कुमरगढ़ पे अधिकार हुआ है। मुगल सेना पे एकमात्र अधिकार हुआ था 1578 में, और 1580 में महाराणा प्रताप को ने पुणे जीत लिया। तो इस प्रकार शाहबाज खान के नेतृत्व में पूछे क्या पूछा जा सकता है कि शाहबाज खान ने मेवाड़ पे कितनी बार आक्रमण किया, तो दोस्तों 3 बार आक्रमण किया है। शाहबाज खान के नेतृत्व में कब कब युद्ध घर में जगह 1577, 1578, 1579 में। कुमरगढ़ पर एकमात्र अधिकार हुआ था 1578 में, और ये अधिकार हुआ था शाहबाज खान के नेतृत्व में, और 1580 में पुनः महाराणा प्रताप ने इसे जीत लिया। दोस्तों हकीम का सूर से रिलेटेड मुझे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान देना है हकीम का सूर कौन थे, तो दोस्तों ये है शेरशाह सूरी के वंशज, शेरशाह सूरी के वंशज। इनको अफगान के नाम से भी जाना जाता है, तो अफगान, क्योंकि शेरशाह सूरी ने भारत में अफगान वंश की स्थापना की थी। दोस्तों इनकी उपलब्धि क्या है, तो हल्दीघाटी युद्ध में प्रताप के सबसे बड़े सहयोगी थे, बड़े सहयोगी। अंततः हल्दीघाटी युद्ध में अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले एकमात्र मुस्लिम सेनापति थे हकीम का सूर। दोस्तों इनका मकबरा पूछा जाता है, मकबरा कहां बना हुआ है, तो दोस्तों इनका मकबरा बना हुआ है खमनूर में। दोस्तों इन्होंने ये ध्यान रखना हल्दीघाटी युद्ध में प्रताप के एकमात्र मुस्लिम सेनापति कौन थे, तो प्रताप के एकमात्र मुस्लिम सेनापति इन्होंने उदय सिंह के समय के आसपास राजपूत या मेवाड़ी सेना को ज्वाइन किया। दोस्तों हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की जान बचाने में सबसे बड़ी भूमिका थी वो थी झाला बिदा की, और झाला बिदा को झाला मान के नाम से भी जाना जाता है, झाला मान। दोस्तों आपने सुना होगा महाराणा सांगा खानवा का युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध ये हुआ था दोस्तों 17 मार्च 1527 में, सांगा वर्सेज बाबर। दोस्तों जब महाराणा सांगा घायल हो गया था, तो झाला मान के दादा थे झाला अज्जा, जिन्होंने महाराणा सांगा की जान बचाई थी, महाराणा सांगा का चित्र धारण करके, और जैसे ही झाला अज्जा शहीद हुए वीरगति को प्राप्त हुए युद्ध समाप्त हो गया। वही कंडीशन झाला मान ने हल्दीघाटी युद्ध में अपनाई, जब महाराणा प्रताप दुश्मनों से घिर चुके थे, तो इन्होंने अपना छत्र, महाराणा प्रताप का छत्र अपने सर पे धारण किया और वीरगति को प्राप्त हो गए झाला मान। दोस्तों ये छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ में प्रतापगढ़ में है, प्रतापगढ़ के जागीरदार थे ये। इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है इन्होंने राजपूती सेना के वारम पार्श्व या बाया भाग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इस प्रकार झालामान या झाला विदा के थे छोटी सादड़ी के, जिन्होंने प्रताप के दुश्मनों के घिर जाने के बाद प्रताप का छत्र अपने सर पे धारण किया और वीरगति को प्राप्त हो गए। दोस्तों हल्दीघाटी युद्ध के बाद
महाराणा प्रताप और मुगल सेना के मध्य जब दूसरा युद्ध हुआ था उसे कहते हैं दिवेल का युद्ध। दिवेल का युद्ध 15 अक्टूबर 1582 में और दिवेल पड़ता है दोस्तों राजस्थान। ये एक मुगल सेना है, मुगल सेना का थाना है दोस्तों। इसमें मुगल सेना का जो नेतृत्व किया था वो तब किया था सुल्तान खान और बहलोल लोदी ने। सुल्तान खान सॉरी बहलोल खान बहलोल खान इस युद्ध में अमर सिंह के हाथों सुल्तान खान घोड़े से चीर दिया जाता है। राजपूत सेना का जो नेतृत्व जो सेनापति थे वो स्वयं एक तो मानसिंह थे और दूसरे प्रताप थे दोस्तों। इस युद्ध में सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि मानसिंह और प्रताप ने कई मुगल सैनिकों को कई मुगल सेनापतियों को उन घुड़सवार के सहित चीर दिया गया। इसलिए कर्नल जेम्स टोड ने इस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन बताया। मेवाड़ का मैराथन मेवाड़ का मैराथन बताया दोस्तों। मैराथन एक प्रसिद्ध युद्ध है, मैराथन का युद्ध। ये 493 ईसा पूर्व में फारस वर्सेज यूनान के मध्य हुआ। इस युद्ध में यूनान के 8,000 सैनिकों ने फारस के 56,000 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया और अंततः यूनानियों की जीत हुई। इसलिए इस युद्ध को प्रमुखता दी जाती है और कर्नल जेम्स टोड ने इसी कारण मेवाड़ का मैराथन युद्ध दिवेल के युद्ध को बताया दोस्तों। 1585 के बाद प्रताप ने अपनी राजधानी की राजधानी दिवेल बनी। ये मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कहलाती है, संकटकालीन राजधानी। दिवे 1585 से 1613 ईस्वी तक 28 वर्ष प्रताप की राजधानी बनी रही। उसके बाद पुनः कुमारगढ़ को राजधानी बनाया गया 1413 के बाद में। 1613 के बाद में कुमारगढ़ पुनः राजधानी बनी। तो 1585 से 1613 तक 28 वर्ष तक प्रताप की राजधानी थी दोस्तों चावंड। सॉरी चावड़।